नमस्कार दोस्तों, मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद बाबा का जो बाबा की लीला है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत लंबा समय हो गया, उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मैंने इसको बंद किया था, इस चैप्टर को, बिकॉज़ कि मेरे पास कोई बाबा की लीला जो है वो बीच में आ नहीं रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है शायद बाबा की यही मर्जी हो, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ संदेश तक ही, मतलब थी मुझे था कि चलो अब जब बाबा की मर्ज़ी होगी तो बाबा अपने आप फिर से लीला अपनी भेजना शुरू करेंगे। तो मेरे पास एक लीला आई और सच में, मतलब ये उदी की लीला है और उदी से रिलेटेड, मतलब मेरा भी अपने बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत मतलब बाबा के बहुत अनुभव हैं और आप लोगों के भी बहुत से होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ, सबके साथ अपनी एक्सपीरियंस साझा करने में और आप लोगों के एक्सपीरियंस भी बाकी सबको बताने में, बिकॉज़ अच्छा लगता है जब हम बाबा की लीला जो है ना सब सुनते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि बाबा जो है ना, बाबा उनमें से हैं कि जब हम बुलाते हैं ना तो बाबा दो मिनट भी देर नहीं लगाते और बाबा हमारे पास होते हैं और वो हमें किसी भी मुसीबत में कभी रहने ही नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसी ही लीला है। अभी भैया हैं ये कोलकाता से, तो इनके पास क्या था, उदी बाबा की ख़त्म हो गई थी। तो ये चूँकि डिवोटी हैं और ये काफ़ी जुड़े हुए हैं लोग, मतलब हमारे परिवार से, मेरे साथ भी ये व्हाट्सएप ग्रुप में हैं भैया और काफ़ी एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। और इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने इनके ही भरोसे छोड़ के रखा हुआ है और यही हैंडल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी भैया बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अभी भैया हैं, राजीव भैया हैं, ये बहुत अच्छे से चला रहे हैं मतलब बाबा के ग्रुप को। छोटी सी फैमिली है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो अगर आप लोग ऐड होना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे आपको रिस्पॉन्ड करूँगी और बताऊँगी कि आप किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने परिवार में ज़रूर जोड़ना चाहूँगी अगर आप जोड़ना चाहें तो। तो भैया के साथ हुआ क्या, इनकी उदी ख़त्म हो गई थी, तो ये चूँकि एक साइन डिवोटी हैं जिनको ये दीदी बोलते हैं, तो वो उड़ीसा से हैं, तो वो मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने, उनका पता लगा होगा भैया को, तो भैया ने बोला कि मेरे लिए भी उदी लेकर आइएगा। तो दीदी ने बोला कि ठीक है ले आऊँगी, तो उन्होंने फिर वो उदी लेकर आए और उन्होंने इनको कुरियर करवा दी। तो जिस दिन इनको उदी मिली, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो उदी जो है ना वो बाबा के चरणों में जाके रख दी एज इट इज़ ही। तो बस बाबा के चरणों में रखी हुई थी, दो तीन दिन हुए कि इनके बेटे को जो है वो हाई फीवर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। तो अब रात का टाइम था तो इनको भी था कि पता नहीं मतलब कैसे करें, और इमरजेंसी में कई बार, अब जैसे फीवर वगैरह के लिए होता है तो हम कहीं ना कहीं घर पे ही वो कर देते हैं कि चलो फीवर ही है, एक वन डे है तो एटलीस्ट मैनेज हो जाएगा। पर इन्होंने क्या किया, इनको याद आया कि मेरे पास तो बाबा की उदी है, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने उदी लेके अपने बच्चे को वो ग्लास में डाल के उसको पिला दी और साथ में उसके माथे पर भी लगा दिया, टीका लगा दिया उदी का। और उसके बाद ये क्या देखते हैं कि मतलब बुखार जो है वो उतरने लग गया है और बुखार पूरी तरीके से उतर गया है। और जब ये सुबह देखते हैं, सुबह उठे ये लोग, तो सुबह क्या देखते हैं कि मतलब बच्चा जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है, उसको कोई फीवर नहीं है और उसको कोई टायर्डनेस नहीं है, वो आराम से बढ़िया मस्ती के साथ अपना खेलने लगा हुआ है, तो बिल्कुल ओके था। तो यहाँ से मतलब ऐसे होता है कि एटलीस्ट बाबा की जो उदी है ना, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मिरकल है, बहुत बड़ा मिरकल है ये। अगर मेडिसिन का हो तो मेडिसिन है, मैं खुद इसको बहुत बार, ऐसे होता है कि जब मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उदी को ले लेती हूँ। वैसे मैं कई बार स्किप कर जाती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ करना, पर कई बार हो जाता है। पर जब कभी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उदी को जो है ना, उदी को हमेशा लेती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो उदी जो है ना एक ऐसे मिरकल सा होता है, ऐसे लगता है जैसे वो मेडिसिन है, हर एक प्रॉब्लम की दवाई जो है ना वो बाबा ने उस उदी में डाल के रखी हुई है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब उसको, उदी को ले लीजिए और पेन जो है वो बिल्कुल वैनिश हो जाता है, कोई भी तकलीफ़ हो आपकी बिल्कुल ही गायब हो जाती है। इसी तरीके से एक दिन हुआ गया, मेरे हस्बैंड को स्टोन का प्रॉब्लम है, तो उनका पेन जो है नहीं पता लगता कब उनको पेन उठना लग जाएगा, बट लास्ट काफ़ी दिन से, एटलीस्ट ऑलमोस्ट वन ईयर हो चुका है उनको पेन नहीं हुआ है।
तो अभी जस्ट 10 दिन पहले की बात थी, उनको रात में 9:30 बजे हुए थे और उनको मतलब ऐसा लगा कि मेरे को शायद पेन हो सकता है, तो ही मतलब ही वरीड, और इवन हम सब मैं और मेरे हस्बैंड बस हम दोनों ही हैं, एक बच्चा है हमारा, तो मैं टेंशन में थी कि यार क्या करूँगी अगर रात में इमरजेंसी में पेन हो गया तो फिर कैसे करेंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर चलना है तो अभी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि रात में 12-1 बजे के समथिंग अगर पेन बढ़ गया देन कैसे करेंगे। तो ही सेड कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने उदी ली बाबा की, और उदी लेकर ना पानी में मिलाई, और पानी में मिलाने के बाद मैंने उनको दे दी, उन्होंने उदी ली। और उसके बाद जिस जगह पे उनको पेन हल्का सा लग रहा था, मैंने उस जगह पे पेन वो जो उदी है ना उदी हाथ में लेके और उदी उस जगह पे हल्का सा रब कर दी। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन मिनट हस्बैंड कहते कि मेरे को पेन नहीं हो रहा अब। और उसके बाद भी मैंने कहा उनका कोई बात नहीं, अब आप आराम से रेस्ट करो और देखा जाएगा। तो उसके बाद उनको रात भर पेन नहीं हुआ, इवन आई वॉज वरीड कि पता नहीं ऐसा ना हो ना जाए, पर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी था कि नहीं बाबा मतलब आप परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो सुबह ही सेट कि नहीं मतलब उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ, मैं आराम से रिलैक्स होकर ही सोया हूँ, और टच वुड आज तक का वो है कि उनको फिर पेन नहीं हुआ एंड ही इज़ ओके। तो ऐसे बाबा करते हैं, जब बाबा से कोई चीज़ मांगो और सच्चे दिल से मांगो तो बाबा देते हैं, और सच में मतलब एक अलग सा ही रिश्ता होता है बाबा के साथ में। और बाबा इतने इतने मनमोहनी है ना, सीरियसली बताऊँ तो इतने मनमोहनी है कि वो अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, उनमें एक ऐसा अट्रैक्शन है। उनकी आँखों में देखो उनके मतलब क्या बोलूँ मैं, उनके पूरी मतलब ऐसे लगता है कि उनके मंदिर में जाने के बाद ऐसे लगता है बस यहाँ से कहीं मत जाओ। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा होता है बस यहीं ठहर जाओ और कहीं मत जाओ, क्योंकि सब कुछ शायद यहीं है। तो ऐसी बाबा की लीलाएं हैं, तो क्या ही बोलें, अगर बाबा के बारे में बात करने बैठो तो मतलब पता नहीं कितना टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता।